वेलकम बैक ट्रेडर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पिनिंग टॉप। कैंडल हमारी ऊपर जाती है, नीचे आ जाती है, फिर से नीचे जाती है एंड एक छोटी सी बॉडी बनाती है। सिमिलरली अब इन बोथ केसेस में हमने क्या देखा स्पिनिंग टॉप्स में कि शेयर प्राइस नीचे जाती है, ऊपर जाती है, ना तो बेयर्स नीचे सस्टेन करवा पाते ना ही बुल्स ऊपर सस्टेन करवा पाते, बट डोजी की तरह इसमें ओपन और क्लोज सेम नहीं है। यहां पर एक बॉडी फॉर्म हो रही है लेकिन बहुत ही छोटी सी बॉडी फॉर्म हो रही है। प्लीज ऑल्सो नोट वन मोर थिंग कि स्पिनिंग टॉप की जो बॉडी है वो बिल्कुल सेंटर में होती है, मतलब सेंटर के आसपास होती है। ना तो ये बॉडी ऊपर होगी ना ये बॉडी नीचे होगी, चाहे वो रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, दोनों ही केसेस में बॉडी अराउंड द मिडल होती है। तो अब आप सी, मैं आपसे हर बार पूछूंगा कि आप क्या सोचते हैं इस पैटर्न के बारे में, एंड आई वांट यू गाइस कि जब मैं बोलूं, जब आपको मैं 2 3 4 5 सेकंड का टाइम दूं कि आप सोचिए, तो आप डेफिनेटली एक थॉट लाइए कि यार मुझे क्या लग रहा है, बिकॉज यू नो दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी की क्या आप पकड़ पा रहे हैं। टू मी इट इज लुकिंग लाइक अ कंफ्यूजन इन द मार्केट कि ना तो बुल्स कन्विंसिंगली ऊपर ले जा पा रहे हैं ना बेयर्स कन्विंसिंगली नीचे ले जा पा रहे हैं। अगर ये थोड़ी सी भी रेड कैंडल है, बहुत ही छोटी सी रेड कैंडल है जो बॉडी है, तो मैं इसको ये नहीं मान सकता कि बेयर्स स्ट्रांग है और ना ही इस कैंडल में मैं ये मान सकता कि बुल्स स्ट्रांग है। सो स्पिनिंग टॉप्स बेसिकली रिफ्लेक्ट्स कंफ्यूजन इन द मार्केट, इट रिप्रेजेंट्स वीकनेस इन द ऑनगोइंग ट्रेंड। जो ट्रेंड चल रहा है चाहे वो बेयरिश हो चाहे बुलिश हो, उसमें वीकनेस है। नाउ नाउ वन मोर थिंग, सपोज अप ट्रेंड के बाद स्पिनिंग टॉप आए, तो चाहे ये स्पिनिंग टॉप आए या ये स्पिनिंग टॉप आए, उसकी हम सेम इंटरप्रिटेशन लेंगे। और इवन डाउन ट्रेंड के बाद चाहे ये रेड स्पिनिंग टॉप आए चाहे ग्रीन स्पिनिंग टॉप आए, हम उसकी सेम इंटरप्रिटेशन लेंगे। सो यहां पे इट इज इनडिफरेंट कि व्हाट इज द कलर ऑफ द कैंडल। ओके, सो लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो यहां पर हमने वेदांता का एग्जांपल लिया है, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं। हमने 2018 की बिगनिंग से स्टार्ट करा है। यहां पर हमने देखा 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 सी, यहां पर अब एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद एक स्पिनिंग टॉप बना। इस कैंडल को हम स्पिनिंग टॉप नहीं बोलेंगे, बिकॉज अगर आप देखें तो इसकी कैंडल की बॉडी थोड़ी सी बड़ी है, करेक्ट। इस कैंडल को हम स्पिनिंग टॉप बोलेंगे और इस स्पिनिंग टॉप के बाद ट्रेंड कंटिन्यू रहा, ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ। ओके, सो उसके बाद हम नीचे गए ऊपर गए, यहां पे हमें दोबारा एक अप ट्रेंड के बाद हमें यहां पर एक दोबारा स्पिनिंग टॉप दिखा। थोड़ा सा अप ट्रेंड हुआ था, शेयर प्राइस 300 से 320 आया, फिर एक स्पिनिंग टॉप आया और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अगली 3 कैंडल रेड आई एंड फिर एक भारी गिरावट।
लेट अस सी आगे, ये एक स्पिनिंग टॉप बना लेकिन इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, ये स्पिनिंग टॉप का ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, ये स्पिनिंग टॉप का ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। आगे हम चलते गए, अब ये ट्रेंड एक ही ट्रेंड चल रहा है, कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं आया। सिर्फ यहाँ पे एक गिरावट आ रही थी, कंटिन्यूअसली काफी टाइम से डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप आया यहाँ पे अगस्त में, एंड इसके बाद शेयर प्राइस 200 से बाउंस करके 227 237 तक गया, मतलब 15-20% की अपमूव थी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा वो स्ट्रगल करके ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर एक एक डोजी एंड स्पिनिंग टॉप के बीच की टाइप की कैंडल कोई आई, एंड इसने दोबारा रिवर्सल कर दिया पैटर्न, एंड शेयर भारी गिरावट देखने को मिली। हमने जैसे पहले यहाँ पे ट्रेंड की बात भी करी थी कि अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक साइडवेज ट्रेंड होता है। साइडवेज ट्रेंड का ये बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए आप, दो ग्रीन कैंडल आती हैं, फिर एक डोजी आती है, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर एक वीक कैंडल, रेड कैंडल, फिर यहाँ कंटिन्यूअसली डोजी एंड स्पिनिंग टॉप्स आते हैं 3 दिन, फिर कुछ कैंडल आती है, फिर स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप, डोजी। तो एज यू कैन सी, शेयर प्राइस यहाँ 9 अक्टूबर से 1 नवंबर, ऑलमोस्ट 1 महीने तक ना तो ऊपर गया ना कन्विंसिंगली नीचे गया, एक फिक्स्ड रेंज में वो घूमे जा रहा है। तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ साइड ट्रेंड। ओके, सो नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल टू एनालाइज स्पिनिंग टॉप्स। वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अपोलो टायर्स। अब इस पे भी हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, जैसे कि हमने देखा यहां से एक भारी अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप आया एंड नीचे की तरफ डायरेक्शन मूव हो गई, फिर यहां पे थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आने के बाद फिर एक और स्पिनिंग टॉप आया एंड एक बड़ी कैंडल दी ग्रीन। ये अगेन यहाँ पे 5-6 दिन कंटिन्यूअसली शेयर स्ट्रगल करा एक साइडवेज ट्रेंड में, जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा था, जिसके बाद एक स्पिनिंग टॉप आया, स्पिनिंग टॉप के बाद शेयर एकदम से नीचे क्रैश करा। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ स्पिनिंग टॉप। सो दोस्तों, हमने अभी तक 3 कैंडलस्टिक पढ़े। द फर्स्ट वॉज मारुबोजो, जो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे नेक्स्ट दो थे वो कंफ्यूजन रिप्रेजेंट करते हैं, वन इज डोजी एंड द सेकेंड इज स्पिनिंग टॉप। डोजी क्योंकि ओपन एंड क्लोज सेम होता है तो उस कैंडल का कोई कलर नहीं होता, एंड स्पिनिंग टॉप चाहे कोई भी कलर का हो, रेड या ग्रीन, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता जो इम्प्लीकेशन है उस पे। करेक्ट। सो गाइस, हमने अभी डोजी देखे, स्पिनिंग टॉप देखे। सो गाइस, मारुबोजो वॉज प्रिटी क्लियर। अगर मारुबोजो कहीं पे आ रहा है तो दैट मीन्स अ पॉजिटिव इंक्लिनेशन, एक पॉजिटिव अप ट्रेंड की तरफ वो इशारा कर रहा है, तो उसमें कोई कोई कंफ्यूजन नहीं थी। बट डोजी एंड स्पिनिंग टॉप में हमने देखा कि डेफिनेटली दे आर केपेबल ऑफ ट्रेंड रिवर्सल, लेकिन हर बार ट्रेंड रिवर्स नहीं हो रहा। तो ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई कि यार हर बार ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा, इवन 70% अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि 30% ऑफ द टाइम हमारे ट्रेड्स खराब होंगे या हम गलत साइड ऑफ द ट्रेड होंगे। तो क्या इसका कोई तरीका नहीं है कि हम कोई ऐसा वे निकालें या कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे हम पॉजिटिवली एक सही डायरेक्शन ढूंढ पाए, या अपनी जो ये पॉसिबिलिटी है रिवर्सल की फाइंड आउट करने की, इसको इंक्रीज कर पाए। सो गाइस, ये चीज डेफिनेटली पॉसिबल है, एंड इसके लिए हम जो डोजी और स्पिनिंग टॉप से पहले की कैंडल्स हैं एंड बाद की कैंडल्स हैं उनको रेफर करते हैं। सो लेट मी जस्ट शो यू ऑन द स्क्रीन।
बेयरिश रिवर्सल एंड बुलिश रिवर्सल, हम दोनों के बारे में अलग अलग बात करेंगे। अब गाइस देखिए, जैसे ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद एक डोजी बना, तो केयरफुली लिसन, अगर जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी ग्रीन आती है तो इसका मतलब ऑब्वियसली ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, तो कोई रिवर्सल की पॉसिबिलिटी नहीं है। सिमिलर इन द केस ऑफ स्पिनिंग टॉप, अगर स्पिनिंग टॉप बना चाहे रेड बना चाहे ग्रीन बना, अगर यहां पर एक और बड़ी ग्रीन कैंडल आ जाती है तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रिवर्सल की, तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि द ट्रेंड हैज कंटिन्यूड, रिवर्सल की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो किस केस में हम मानेंगे कि रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है? गाइस हम देखेंगे जो पिछली ग्रीन कैंडल के लेवल्स हैं उनको, जैसे यहां पे हमने जो पिछली ग्रीन कैंडल का ओपनिंग है, एंड इवन इन द केस ऑफ स्पिनिंग टॉप जो पिछली ग्रीन कैंडल का ओपनिंग है, अगर जो डोजी या स्पिनिंग टॉप के नेक्स्ट कैंडल है वो इसको ब्रेक करती है, या इसकी नेक्स्ट कैंडल रेड होती है एंड उससे नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करती है, तो हम कहेंगे कि बेयरिश रिवर्सल की काफी पॉसिबिलिटीज है। जैसे अब इस केस में जो नई रेड कैंडल आई उसने ग्रीन कैंडल का ओपनिंग तोड़ दिया, सो ये एक पॉजिटिव साइन है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि हाँ हम ट्रेड ले सकते हैं जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी रिवर्सल के फेवर में है, जो नेक्स्ट इवन दिस केस जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी रिवर्सल के फेवर में है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि ये प्राइमरीली हमने यही लेवल क्यों चूज करा? सी ये एक दिखाता है कि जो सेंटीमेंट है वो खराब है कि नहीं। अगर पिछली कैंडल का जो ओपनिंग है, जो स्टार्टिंग है, वो भी क्लोज हो जाती है, तो हम मानते हैं कि एक तरह से ये अपने जो दो दिन की ग्रीन मूवमेंट थी, जो दो दिन के गेंस थे, उसको इस रेड कैंडल ने वाइप आउट कर दिया है। सपोज नेक्स्ट एक छोटी रेड कैंडल होती और उससे नेक्स्ट कैंडल ये लो तोड़ती, तो भी हम इसको बेयरिश रिवर्सल मानते, ओके। एंड इवन द केस ऑफ बुलिश रिवर्सल कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाता है, इसमें जो हमारा लेवल्स है वो पिछली रेड कैंडल के ओपन का होगा, यहां पे भी ओपन का था ग्रीन कैंडल की ओपन का, यहां पे रेड कैंडल की ओपन का, एंड अगर जो हमारी कैंडल है वो इसको ब्रेक कर देती है तो हम एक पॉजिटिव साइड्स पे ट्रेड ले सकते हैं। इन दोनों ही केसेस में जो हम स्टॉप लॉस रखेंगे वो ये लेवल रखेंगे जो अपने डोजी का हाई है इन द केस ऑफ बेयरिश रिवर्सल, एंड बुलिश रिवर्सल में जो डोजी का लो है, डोजी स्पिनिंग टॉप दोनों के लिए ये सेम रहेगा, ओके। तो हम एक बार और यही सारी चीजें एग्जांपल में डिस्कस करते हैं कि क्या ये जो हमने अभी ये नया एक टेक्निक डिस्कस करी है, क्या ये रियली इफेक्टिव है, क्या ये रियली हमें हेल्प कर रही है हमारी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी बढ़ाने में? लेट्स जस्ट सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ बजाज ऑटो, तो मैं इसमें थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं। ओके, सो मैंने बिगिनिंग ऑफ 2018 से एक कंसिडर करें, तो यहां पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद थोड़ी सी अप मूव आई, उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप आया, जो स्पिनिंग टॉप के बाद वाली कैंडल थी वो एक रेड कैंडल थी जिसने पिछली ग्रीन कैंडल यानी कि इस ग्रीन कैंडल के जो ओपन था उसको ब्रेक करा, एंड एज अ रिजल्ट शेयर काफी नीचे गया, ओके। सो उसके बाद एक और स्पिनिंग टॉप आया, लेकिन जो स्पिनिंग टॉप से पहले भी अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल आई, सो इट इज ऑफ नो यूज।
हम आगे गए आगे गए आगे गए। इसके बाद एक बड़ी स्पिनिंग टॉप आया। अब स्पिनिंग टॉप आया एक अप ट्रेंड के बाद। ओके, अगर अप ट्रेंड के बाद स्पिनिंग टॉप आया तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि डाउनफॉल आएगी। तो पहला जो ये स्पिनिंग टॉप था, इसके बाद एक और रेड कैंडल आई, लेकिन दिस कैंडल फेल्ड टू ब्रेक द लो। कौन सा लो? ये वाला लो, ये मैं डिलीट कर देता हूं। दोबारा जो नेक्स्ट स्पिनिंग टॉप आया, उससे पहले अप ट्रेंड चल रहा था, उसकी जो बात की कैंडल है वो भी ब्रेक नहीं कर पाई जो ये लो था, तो यहां पर हम इग्नोर करेंगे। तो यहां पे हम इग्नोर करेंगे, उसके बाद हम चलते जा रहे हैं। उसके बाद यहां पर एक भारी डाउन ट्रेंड के बाद एक और स्पिनिंग टॉप आया। जो नेक्स्ट कैंडल थी उसने पिछली कैंडल का ओपन ब्रेक नहीं कर पाई, तो ये भी पैटर्न नलिफाई हो गया। ऊपर से एक वीक कैंडल थी। तो एज वी मूव फॉरवर्ड हमें काफी कम स्पिनिंग टॉप या डोजीज दिख रहे हैं। अगेन यहाँ पे दो डोजी है, लेकिन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। सेम थिंग सेम थिंग। नाउ दिस इज अ साइडवेज पैटर्न। नाउ अब यहां देखिए, यहां पे हम ये सारी जो कैंडल्स हैं ये हम डोजी रिवर्सल नहीं मानेंगे। हम नहीं मानेंगे कि ये रिवर्सल डोजी की वजह से हुआ, बिकॉज क्लियर अप ट्रेंड के बाद डोजी नहीं आया। पहले काफी बड़ी रेड कैंडल आई, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद दो और रेड कैंडल आई, उसके बाद डोजीज आए। सो ऑलरेडी पिछली कुछ कैंडल्स का अगेंस्ट द अप ट्रेंड, जैसे अप ट्रेंड चल रहा है तो इसके अगेंस्ट ऑलरेडी यहाँ कुछ कैंडल्स का इम्पैक्ट था। तो सिर्फ डोजी को कंसिडर करना एंड मानना कि डोजी जो है उसकी वजह से रिवर्सल आया, तो दैट विल बी इनकरेक्ट। यहाँ पे जो डोजी थी उसके बाद जो दो कैंडल आई, दे ऑल्सो फेल टू ब्रेक द ओपन ऑफ रेड कैंडल। सो दिस इज अ डोजी फॉर यू। एज हमने देखा कि जो हमने न्यू टेक्निक अप्लाई करी उसके बाद आई गेस रेयरली ऐसा हुआ कि हमें जो पैटर्न रिवर्सल हुआ उसका क्लियर कट इंडिकेशन ना हुआ हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जहां भी पैटर्न फेल हुआ वो प्राइमरीली इसी रीजन की वजह से हुआ कि जो ओपन था पिछली कैंडल का वो ब्रेक नहीं हो पाया। ओके, सो आगे भी हम जब भी स्पिनिंग टॉप या डोजी एनालाइज करेंगे तो वी विल ऑलवेज कीप द ओपन ऑफ प्रायर कैंडल इन माइंड। पिछली कैंडल जो डोजी या स्पिनिंग टॉप से पहले वाली कैंडल है उनके ओपन पे हम जरूर ध्यान रखेंगे। ओके, सो गाइस ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम एक नए कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ओके, थैंक यू।